प्रीवियस लेक्चर में अपन मेंडल के लॉस पढ़े थे, तीन लॉस पढ़े थे। एक पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद अपन ने टेस्ट क्रॉस पढ़ा था। अब इस लेक्चर में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो मेंडल के लॉज और प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब अपन पढ़ेंगे वेरिएशन फ्रॉम मेंडल्स प्रिंसिपल। तो चालू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ये है वेरिएशंस फ्रॉम मेंडल्स प्रिंसिपल। चलो इस टॉपिक को समझने से पहले एक शब्द को समझते हैं जिसको बोला जाता है लोकस। तो देखते हैं अपन लोकस मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं लोकस की, तो सबसे पहले एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ये मान लो एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे इस जगह पे एक जीन प्रेजेंट है जिसको मैंने बोला है कैपिटल टी। तो लोकस मतलब पता है क्या होता है? लोकस का मतलब होता है पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम के ऊपर, इस पोजीशन को बोला जाता है लोकस। तो अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। तो जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम पे, इस पोजीशन को बोला जाता है लोकस। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रोमोसोम का होमोलॉगस पेयर है, इसको अपन बोल सकते हैं कि इट इज अ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का एक होमोलॉगस पेयर है। तो इसमें जैसे मान लो ये एक मैंने लिखा है टी जीन, और टी जीन को रिप्रेजेंट किया है इस डॉट से। इस क्रोमोसोम पे एक डॉट बना है और इस डॉट को बताया कि ये टी जीन है। तो ये जो मैंने डॉट बताया, दिस डॉट इज लोकस। लोकस मतलब क्या? तो लोकस होता है पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। अब यहां पे अपने को दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझना है। एक है इंटर अलीलिक इंटरैक्शन और एक है इंट्रा अलीलिक इंटरैक्शन। इंट्रा अलीलिक इंटरैक्शन, तो अपन स्टार्ट करते हैं दोनों टाइप के इंटरैक्शन पढ़ना। सबसे पहले अपन जो इंटरैक्शन पढ़ेंगे इसको बोलते हैं इंट्रा अलीलिक इंटरैक्शन। चलो तो जैसे मान लो ये एक होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम का, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है जिसको मैंने बोला कैपिटल टी। जैसे मान लो इसी होमोलॉगस पेयर पे एक स्मॉल टी मान लो जीन प्रेजेंट है। तो अगर इस कैपिटल टी जीन और स्मॉल टी जीन के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, इस टाइप के इंटरैक्शन को बोला जाता है इंट्रा अलेलिक इंटरैक्शन। इसका मतलब क्या? अगर दो ऐसे जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है जो सेम होमोलॉगस पेयर पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के सेम होमोलॉगस पेयर पे प्रेजेंट है, देन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज इंट्रा अलीलिक इंटरेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं अपन इंट्रा अलीलिक इंटरेक्शन में? कि इंटरेक्शन बिटवीन टू अलील्स ऑफ द सेम होमोलॉगस पेयर, सेम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज इंट्रा जेनिक, और इसको बोल सकते हैं इंट्रा अलिलिक इंटरैक्शन। तो इंट्राजेनिक या फिर इंट्रा अलिलिक इंटरैक्शन मतलब क्या? कि अगर एक जीन जिसको मैंने कैपिटल टी बोला है और दूसरा जीन जिसको मैंने स्मॉल टी बोला, अगर ये दोनों एक ही होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम के प्रेजेंट है, तो अगर इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलेंगे इंट्रा अलिलिक इंटरेक्शन। इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलेंगे इंट्रा अलिलिक इंटरेक्शन, इंट्रा अलिलिक इंटरेक्शन। चलो अब अपन सेकेंड टाइप के इंटरेक्शन को देखेंगे, इसको बोला जाता है इंटर अलिलिक इंटरेक्शन। मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं अपन। तो अगर मान लो जैसे ये एक होमोलॉगस पेयर है, मैं एक और होमोलॉगस पेयर बनाता हूँ। ये एक होमोलॉगस पेयर है जिसमें मान लो मैंने जीन्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है कैपिटल पी और यहाँ पे लिखा है मैंने स्मॉल पी। तो मैंने दो जीन्स लिखा है यहाँ पे कैपिटल पी और स्मॉल पी। अगर मान लो ये दूसरा होमोलॉगस पेयर है, ये भी एक क्या हो गया, होमोलॉगस पेयर हो गया क्रोमोजोम का। तो अगर मान लो ये वाला कैपिटल पी वाला जीन जो एक होमोलॉगस पेयर पे प्रेजेंट है, अगर ये इंटरैक्ट करता है इस कैपिटल टी वाले जीन से,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जीन जो दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो इंटरैक्ट कर रहा है दूसरे जीन से जो किसी और क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो अगर ऐसे दो जीन्स के बीच में इंटरैक्शन होता है जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, तब इस टाइप के इंटरैक्शन को बोला जाता है इंटर अलेलिक इंटरैक्शन। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं इंटरैक्शन बिटवीन अलील्स ऑफ two different chromosomes is known as interallelic interaction। चलो तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन पढ़ लिया है, एक अपन ने पढ़ा है इंटरअलिलिक इंटरेक्शन या फिर इसको बोला जाता है इंटरजेनिक। तो यहाँ पे दो टाइप के अपन ने इंटरेक्शन पढ़ा है, एक को बोला गया इंट्रालिलिक और एक को बोला गया इंटरअलिलिक। इंट्रालिलिक मतलब एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन्स रहेंगे वो इंटरैक्ट करेंगे, और इंट्रालिलिक मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स रहेंगे वो इंटरैक्ट करेंगे। अब अपन आगे चल के इंट्रालिलिक में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ेंगे, इंटरअलिलिक में अपन दो इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ने वाले। एक अपन पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरी कंडीशन जो पढ़ेंगे अपन वो रहेगी कोडोमिनेंस। तो इंट्रा ये अपन जो पढ़ेंगे ये इंट्रा एलिलिक में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट यहां पे इंट्रा कर देते हैं इसको और इसको कर देते हैं अपन इंटर एलिलिक। तो इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे और कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, और इंटर एलिलिक इंटरेक्शन में अपन दो चीज पढ़ेंगे जिसको बोला जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एक पढ़ेंगे अपन जिसको बोला जाता है एपिस्टेसिस। चलो तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन में अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, और इंटर एलिलिक इंटरेक्शन में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एपिस्टेसिस पढ़ेंगे। तो अपन अगला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अपन पढ़ना चालू करेंगे यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली अपने आप को डोमिनेटिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता है रिसेसिव कैरेक्टर के सामने। इसको समझेंगे अपन कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो कम्प्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इन फ्रंट ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर डज नॉट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ कंप्लीटली ओवर द रिसेसिव कैरेक्टर। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ओवर द रिसेसिव कैरेक्टर। तो डेफिनेशन है डोमिनेंट कैरेक्टर डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली ओवर द रिसेसिव कैरेक्टर्स। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल है, तीन एग्जांपल देखे जाते हैं, एक है मिराबिलिस जलापा जिसे 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है, 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। सेकेंड है एंटीरिनम स्नैपड्रैगन कहा जाता है, इसे स्नैपड्रैगन भी कहा जाता है। और अगला जो प्लांट है ये है एंडा ल्यूसियन। चलो तो अब अगर मैं बात करूं तो ये तीन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या कि यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ये कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा रिसेसिव कैरेक्टर के सामने। तो चलो अपन पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनम में क्या होता है, और फिर इसके बाद अपन देखेंगे कि एंडा ल्यूसियन फाउल करके प्लांट है इसमें क्या होता है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनम में क्या देखा जाता है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनम में या फिर स्नैपड्रैगन में किस तरीके से देखा जाता है।
तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं इन मिराबिलिस जलापा, इन मिराबिलिस जलापा एंड एंटी रिनम। तो यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स लेते हैं, और अगर मेंडल के अकॉर्डिंग अपन इस क्रॉस को करें तो यहाँ पे पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, प्योर लाइन ब्रीड होनी चाहिए पेरेंट्स की। तो यहाँ पे पता है ये जो दो प्लांट्स है मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनम, ये जो दो प्लांट है दो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक रेड फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और एक व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से जो रेड फ्लावर है ये डोमिनेंट होता है ओवर द व्हाइट फ्लावर। तो क्योंकि रेड डोमिनेंट है तो यहाँ पे अपन कैपिटल आर अली यूज करेंगे, इसका जीनोटाइप कैपिटल आर हो जाएगा, और व्हाइट रेसेसिव है तो इसका जीनोटाइप स्मॉल आर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है गमेट फॉर्मेशन। तो अगर मैं गमेट फॉर्मेशन की बात करूँ तो इसके जो गमेट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर, एक और गमेट बनेगा कैपिटल आर, फिर यहाँ पे गमेट बनेगा स्मॉल आर, और यहाँ पे गमेट बनेगा स्मॉल आर। तो इस तरीके से गमेट फॉर्मेशन होगा। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन निकालेंगे। जब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे पुनेट स्क्वायर, और पुनेट स्क्वायर के थ्रू अपन फर्स्ट जनरेशन निकालेंगे। फर्स्ट जनरेशन निकाला तो फर्स्ट जनरेशन में अपन एक पेरेंट के गमेट्स इधर लिखेंगे और दूसरे पेरेंट के गमेट्स उधर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कैपिटल आर और यहाँ पे लिख दिया स्मॉल आर स्मॉल आर। अब अपन पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर से आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा कलर बनना चाहिए, देखो यहाँ पे एक कैपिटल आर प्रेजेंट है और एक स्मॉल आर प्रेजेंट है। कैपिटल आर जो है ये डोमिनेंट एलील है, ये वाला कैपिटल आर जो है डोमिनेंट एलील है, और स्मॉल आर जो है रिसेसिव एलील है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो यहाँ पे जो फ्लावर का कलर मिलना चाहिए वो कैसा कलर मिलना चाहिए, रेड कलर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर जो है या फिर एक एलील जो है वो कैसा है, डोमिनेंट है। बट यहाँ पे जो फ्लावर का कलर मिलता है ये कलर मिलता है पिंक कलर। पिंक कलर यहाँ पे इसीलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जाता है। ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कैपिटल आर है ये कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है इन फ्रंट ऑफ स्मॉल आर, और इसीलिए यहाँ पे रेड कलर के बदले पिंक कलर मिलता है। तो पूरे ऑफस्प्रिंग जो मिले हैं सब ऑफस्प्रिंग में जो फ्लावर बना है वो किस कलर का फ्लावर बना है, पिंक कलर का फ्लावर बना है। अब अगर मैं बात करूँ इसके फिनोटिपिक रेशियो की, तो मेरे को क्या मिला है, फिनोटिपिक रेशियो मिला है मेरे को 100% पिंक फ्लावर्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ 4:0। और 4 क्या है यहाँ पे, चारों के चारों मेरे को ऐसे ऑप्शन मिले जिनके पास पिंक कलर के फ्लावर है। जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करूं मैं तो जीनोटिपिक रेशियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीनोटिपिक रेशियो में मिलेगा मेरे को 4:0। क्या मिलेगा मेरे को, जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि क्या ये जो एक्सपेरिमेंट अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला जो एक्सपेरिमेंट मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनम में परफॉर्म किया है, क्या ये एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है। अपन ने जब मेंडल के जो अपन ने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, एक्सपेरिमेंट के बाद एक लॉ पढ़ा था जिसको बोला गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अपन ने एक लॉ पढ़ा था जिसको कहा गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट अगर अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनम में देखे तो क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है, नहीं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। क्यों ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है, चलो समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि अगर कोई प्योर लाइन पेरेंट ब्रीड के बीच में अगर अपन क्या करते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर अपने आपको एक्सप्रेस करता है, और वो जो कैरेक्टर अपने आपको एक्सप्रेस करता है वो कौन सा कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। बट अगर अपन यहाँ पे देखे तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, रेड कैरेक्टर है डोमिनेंट। बट F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर रहा है, पिंक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और पिंक ना तो रेड पेरेंट के पास था ना व्हाइट वाले पेरेंट के पास था, तो यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को जो अपन मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनम में देख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आपको एक्सप्रेस कर पा रहा है और रिसेसिव तो करता ही नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा कैरेक्टर अपने आपको एक्सप्रेस कर पा रहा है, और वो अपने आप को एक्सप्रेस इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो कैपिटल आर अलील जो है ये कंप्लीटली डोमिनेटिंग नहीं है, ये अपने को कंप्लीटली अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इन फ्रंट ऑफ स्मॉल आर या स्मॉल आर अलील। तो अब अपन यहाँ पे निकालेंगे एफ सेकेंड जनरेशन और देखेंगे कि एफ सेकेंड जनरेशन में क्या अपने को रेशियो सही मिलेगा या नहीं। तो चलो अपन एफ सेकेंड जनरेशन निकालते हैं।
तो अब यहाँ पे अपने पेरेंट्स चेंज हो जाएंगे, एफ सेकेंड जनरेशन निकालेंगे, और अब जो दो पेरेंट्स होंगे वो दो पेरेंट्स अपने पास रहेंगे पिंक फ्लावर वाले, क्योंकि अपन क्या करते हैं एफ सेकेंड जनरेशन कैसे निकालते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग अपने को एफ वन जनरेशन मिले थे उन लोगों के बीच में सेल्फिंग करवाते हैं, तो अब अपन यहाँ पे करेंगे सेल्फिंग बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ एफ वन जनरेशन। चलो तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सेल्फिंग बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 generation में जो offspring मिले उनके बीच में अपन क्या करवाएंगे, selfing करवाएंगे। अब मैं यहाँ पे parent जो मेरे पास रहेंगे वो कैसे रहेंगे, pink, एक plant भी pink रहेगा और दूसरा plant भी क्या रहेगा, pink रहेगा। genotype क्या होगा, capital R small R, और इसका genotype होगा capital R small R। अब अगर gametes की बात करूँ तो एक gamete हो जाएगा capital R और दूसरा gamete हो जाएगा small R, और फिर एक गमेट हो जाएगा कैपिटल आर इधर भी और इधर भी हो जाएगा स्मॉल आर। अब अपन बनाएंगे यहाँ पे पुनेट स्क्वायर, और पुनेट स्क्वायर के थ्रू अपन यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, एफ सेकेंड जनरेशन निकालने वाले। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे एफ सेकेंड जनरेशन, तो एक पेरेंट के कैरेक्टर अपन यहाँ लिख देंगे और दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर यहाँ पे लिख देंगे। चलो तो अब पॉसिबल आउटकम्स बनाते हैं। सबसे पहला मिलेगा मेरे को कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर मिलेगा मेरे को कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। चलो तो अब अपन देखें कि किस तरीके के ऑफस्प्रिंग बने। तो पहला ऑफस्प्रिंग होगा रेड, क्योंकि यहाँ पे दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। दूसरा ऑफस्प्रिंग होगा पिंक, क्योंकि एक ही डोमिनेंट कैरेक्टर है, यहाँ पे भी पिंक ऑफस्प्रिंग मिलेगा। और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसके पास जो फ्लावर्स होंगे उनमें कैसे कलर होंगे, व्हाइट कलर के फ्लावर्स होंगे। तो अगर अपन इसके फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करें तो मेरे को क्या मिला है, रेड फ्लावर मिला है, पिंक फ्लावर मिला है, और मेरे को क्या मिला है, व्हाइट फ्लावर मिला है। और रेशियो की अगर मैं बात करूं तो रेड फ्लावर कितना है, एक है, पिंक फ्लावर कितना है, दो है, और व्हाइट फ्लावर कितना है, एक है। तो मेरे को जो फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा ये मिलेगा 1:2:1, ये मिला मेरे को फिनोटिपिक रेशियो। अब अगर मैं इसके जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करूं तो मेरे को मिला है कैपिटल आर एक जीनोटाइप मिला है मेरे को कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक जीनोटाइप मिला है मेरे को स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर मैं इसके जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करूं तो ये मिल जाएगा मेरे को 1:2:1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो भी कैसा है, 1:2:1 है, और जीनोटिपिक रेशियो भी कैसा है, 1:2:1 है। दोनों जो रेशियो है वो सेम है। बट अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो यहाँ पे रीजन है कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम इसीलिए आया है एफ सेकेंड जनरेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो अपन कंडीशन पढ़ रहे हैं कौन सी कंडीशन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या, कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा रिसेसिव कैरेक्टर के सामने। और जब वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं पता है जैसे अपने को, जैसे मैं अगर कैरेक्टर लेता हूँ नॉर्मली जो मेंडल के क्रॉस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कैरेक्टर लू हाइट ऑफ स्टेम, तो वो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कंडीशन बन सकती है, एक कंडीशन बनेगी कैपिटल टी है, एक बनेगी स्मॉल टी अगर कैपिटल टी है तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि ये प्लांट कैसा है, टॉल प्लांट है। स्मॉल टी है तो यहाँ पे प्लांट कैसा है, ड्वार्फ प्लांट है। और अगर ये कंडीशन बनती है कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली, तो यहाँ पे क्योंकि एक अलील डोमिनेंट है इसलिए ये भी जो है ये कैसा रहता है, टॉल प्लांट होता है, क्योंकि ये डोमिनेंट अलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है। बट अपन पढ़ रहे हैं मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनम में, और इन लोगों में ये जो प्लांट्स है इनमें देखा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आपको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आपको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट मिलते हैं। और जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो है वो सेम मिलता है, वो कैसा मिलता है, 1:2:1 ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो, और 1:2:1 ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। तो अब अपन देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एंडलुसियन फाउल प्लांट। तो अपन देखते हैं, ध्यान देते सभी लोग, तो अब अपन देखेंगे इन एंड Lucian फाउल इसमें कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जाता है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन पेरेंट्स लेंगे। यहाँ पे मैंने पेरेंट्स लिया, और ये पेरेंट कैसे है, प्योर लाइन ब्रीड के पेरेंट है, प्योर लाइन ब्रीड के पेरेंट है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो पेरेंट यहाँ पे पता है दो पेरेंट होते हैं, ये जो एंडलुसियन फाउल होते हैं दो अलग अलग कलर के फ्लावर बना सकते हैं, एक ब्लैक कलर का फ्लावर बना सकते हैं और एक व्हाइट कलर का फ्लावर बना सकते हैं। तो इसमें से जो ब्लैक कलर होता है ये जो होता है डोमिनेंट कलर होता है, और व्हाइट कलर जो होता है ये होता है रिसेसिव। तो ब्लैक कलर का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल बी, और व्हाइट कलर का जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल बी। ब्लैक जो होता है डोमिनेंट कलर होता है, और व्हाइट जो है ये कैसा है, रिसेसिव कलर है। चलो तो अब अपन नेक्स्ट स्टेप देखेंगे गमेट फॉर्मेशन की। तो गमेट फॉर्मेशन की जब बात करूं तो एक गमेट बन जाएगा कैपिटल बी, और अगला गमेट बन जाएगा कैपिटल बी, इधर भी एक गमेट बन जाएगा स्मॉल बी, और अगला गमेट बन जाएगा स्मॉल बी।
अब अपन निकालेंगे यहाँ पे F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन अपन निकालेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन निकालने के लिए पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ये हो गया पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर में एक पैरेंट के गमेट अपने को इधर लिखना पड़ेगा और एक पैरेंट के गमेट इधर लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिख दिया ब्लैक पैरेंट के गमेट, तो कैपिटल बी हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल बी, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल बी, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल बी। चलो तो पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं और फिर उसके बाद अपन फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, फिनोटिपिक रेशियो, और निकालेंगे अपन जीनोटिपिक रेशियो। चलो तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे भी मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि मेरे को मिला है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जो ऑफस्प्रिंग मिले इनके जीनोटाइप मिले मेरे को कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका मतलब क्या, एक डोमिनेंट एलील है इसमें और एक रिसेसिव एलील है। होना क्या चाहिए यहाँ पे, जो कलर आना चाहिए वो कैसा कलर आना चाहिए, ब्लैक कलर आना चाहिए। पर यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं देखा जाता है, यहाँ पे एक दूसरा कलर अपने आपको एक्सप्रेस करता है और ये जो कलर अपने आपको एक्सप्रेस करता है ये होता है ब्लू कलर। तो चारों ऑफस्प्रिंग जो मिलते हैं इनके पास जो कलर के फ्लावर होते हैं वो होते हैं ब्लू कलर के फ्लावर। अब अगर मैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो फिनोटिपिक रेशियो मेरे को क्या मिल जाएगा, ब्लू कलर के फ्लावर मिल जाएंगे। और कैसे मिल जाएंगे, 100% ब्लू कलर के फ्लावर मिल जाएंगे या फिर 4:2 मिल जाएंगे, 4 जो रहेगा वो क्या रहेगा, चारों ऑप्शन के पास ब्लू कलर के फ्लावर रहेंगे। जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो चारों ऑप्शन का जो जीनोटाइप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये हो गया अपना F1 जनरेशन। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे F2 जनरेशन। तो चलो अपन F2 जनरेशन फाइंड करते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स चेंज हो जाएंगे और ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा। अब F2 जनरेशन निकालते हैं, तो अगर अपने को F2 जनरेशन निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, F1 जनरेशन के जो प्रोजेनीज मिले या फिर ऑफस्प्रिंग मिले उनके बीच में क्रॉसिंग करवाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, सेल्फिंग बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले उनके बीच में अपन क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। मेरे को क्या मिले, दोनों पेरेंट्स जो मिलेंगे, अब जो दोनों पेरेंट रहेंगे वो ब्लू वाले रहेंगे, ब्लू फ्लावर वाले, और इनका जो जीनोटाइप रहेगा वो रहेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और अगले का भी जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। गमेट्स की अगर बात करूं तो एक गमेट हो जाएगा कैपिटल बी और दूसरा गमेट हो जाएगा स्मॉल बी, एक गमेट हो जाएगा कैपिटल बी और दूसरा गमेट हो जाएगा स्मॉल बी। अब अगर अपन F2 जनरेशन, अब यहाँ पे अपन F2 जनरेशन निकाले, तो यहाँ पे फिर से पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर मैं पुनेट स्क्वायर बनाता हूँ तो चलो इधर ध्यान दो, ये पुनेट स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक पैरेंट के गमेट लिख दिया अपने कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे लिख दिया कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहाँ पे पता है क्या हुआ, अब अपन पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे भी कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल बी। यहाँ पे जो प्लांट मिलेगा वो उसके पास जो फ्लावर होंगे वो कैसे फ्लावर होंगे, ब्लैक कलर के फ्लावर होंगे, यहाँ पे ब्लू कलर के फ्लावर होंगे, इस कंडीशन में भी ब्लू कलर के फ्लावर होंगे और इस कंडीशन में व्हाइट कलर के फ्लावर होंगे। तो अब अगर अपन जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो निकाले तो देखते हैं, अपन जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो कैसा मिलेगा, मेरे को एक ब्लैक फ्लावर वाला प्लांट मिला है, एक ब्लू फ्लावर वाला प्लांट मिला है और एक मेरे को मिला है व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट। कितना है, ब्लैक वाला 1 है, ब्लू वाले 2 है और व्हाइट वाला 1 है, तो रेशियो आ गया 1:2:1। अब अगर जीनोटिपिक रेशियो निकालो तो मेरे को जीनोटाइप क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है कैपिटल बी, एक मिल रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी, एक मिल रहा है मेरे को स्मॉल बी। तो ये 3 जीनोटाइप मिल रहे हैं और रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1:2:1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, यहाँ पे अपन ने देखा है कि जो भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करते हैं वो सबसे पहली चीज लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि पहले जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो कौन सा कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे इवन एंडालुसियन फाउल हो, एंटीरिनम हो या फिर मिराबिलिस जलापा हो, तीनों ही कंडीशन में फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और सेकेंड जनरेशन की अगर अपन बात करें तो सेकेंड जनरेशन में दोनों फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों अपने को कैसा मिलता है, ये मिलता है 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी मिलता है 1:2:1। चलो तो अब तुम लोग को एक इसमें एक चीज बताता हूँ मैं, पता है इसमें जो ब्लैक और व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं
इस एंडल्यूसियन फाउन के जो ब्लैक और व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं ये लगभग 150 रुपीस के मिलते हैं। ब्लैक और व्हाइट कलर के जो फ्लावर होते हैं ये लगभग 150 रुपीस के मिलते हैं। और इनका जो ब्लू कलर का फ्लावर होता है ये कितने का मिलता है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि इनका जो जैसे कंडीशन बता रहा हूँ तुम लोगों को कि जो ब्लैक कलर का फ्लावर है और व्हाइट कलर का फ्लावर है ये थोड़े सस्ते हैं, 150 रुपए के फ्लावर मिलते हैं। और अगर ब्लू कलर की बात करूँ तो ब्लू कलर का फ्लावर जो है बहुत अच्छा फ्लावर है, ऑर्नामेंटल यूज के उसका यूज किया जाता है और बहुत अच्छे दिखते हैं, तो ब्लू कलर के फ्लावर जो है वो महंगे दिखते हैं। अब हुआ क्या कि कुछ फार्मर्स ने क्या किए, कुछ फार्मर्स ने सोचा कि ब्लू कलर के फ्लावर ज्यादा महंगे बिक रहे हैं और लोग बाग ज्यादा खरीद रहे उसको क्योंकि उसका ऑर्नामेंटल पर्पस में बहुत अच्छा यूज है। तो उन्होंने क्या किया दो प्लांट लिया और दोनों प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाए। और वो कौन से प्लांट लिए, एक लिया ब्लू प्लांट और दूसरा भी लिया ब्लू प्लांट। अब अगर वो क्या करते हैं, ब्लू प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं तो उनको रिजल्ट कैसा मिलेगा, उनको सिर्फ 50% उनको ऐसे फ्लावर जिनमें ब्लू कलर, ऐसा प्लांट जिसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स है वो कितने परसेंट मिलेगा, सिर्फ 50% ऐसे प्लांट्स मिलेंगे। बाकी ब्लैक कलर के फ्लावर वाले 25% प्लांट मिलेंगे और व्हाइट कलर के फ्लावर वाले कितने परसेंट प्लांट मिलेंगे, 25% प्लांट मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, उनको नुकसान होगा। उनको पता है कि ब्लू वाला जो फ्लावर है ये एक्सपेंसिव है, तो उन्होंने क्या सोचा, चलो ब्लू वाला एक्सपेंसिव है तो दोनों पेरेंट्स ब्लू वाले ले लिए, ब्लू फ्लावर वाले, और उनके बीच में क्रॉस करवाए। क्रॉस करवाने पे सिर्फ 50% ऐसे ऑफस्प्रिंग मिले जिनके पास ब्लू कलर के फ्लावर है। इसका मतलब सिर्फ 50% ही ब्लू फ्लावर मिले, बाकी के 25% ब्लैक मिले और बाकी के 25% व्हाइट मिले। इससे क्या होगा, उनको जो ब्लू फ्लावर चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे। अब अगर अगर इन लोग को 100% ब्लू फ्लावर चाहिए तो ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये लोग क्रॉस करवाएंगे ब्लैक और व्हाइट फ्लावर के बीच में। क्यों ब्लैक और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाएंगे, तो जब ब्लैक और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो इनको जो चारों ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वहां पे क्या मिलेंगे, देखो ब्लैक और व्हाइट फ्लावर के बीच में जब यहाँ पे क्रॉस होगा तो इनको जो चारों ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, चारों ऑफस्प्रिंग के जो फ्लावर कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर का फ्लावर होगा। और इससे इन लोगों को, फार्मर्स को क्या होगा, फायदा होगा और ये ब्लू कलर के फ्लावर्स को बेच सकेंगे और लोग बाग इसको यूज कर सकेंगे ऑर्नामेंटल पर्पस के। तो पता है इनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था फार्मर्स को, कौन सा कॉन्सेप्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला। अगर इनको पता रहता तो ये लोग पता है क्या करते, ये फार्मर्स जो रहते ये लोग क्या करते, ब्लू और ब्लू फ्लावर को, इन लोगों ने क्या सोचा कि ब्लू फ्लावर ज्यादा चाहिए, तो इन्होंने सोचा कि एक ब्लू कलर का फ्लावर है प्लांट है और दूसरा भी प्लांट ब्लू कलर के फ्लावर वाला है, दोनों को अगर क्रॉस करवाए तो क्या हो जाएगा, इन लोग को लगा कि वो जो इनको ऑफस्प्रिंग मिलेंगे या फिर जो प्लांट्स मिलेंगे उनमें भी ब्लू कलर का फ्लावर रहेगा। बट वहां पे क्या मिला, सिर्फ 50% ब्लू कलर के फ्लावर मिले, 25% व्हाइट मिले और 25% ब्लैक मिले। अब अगर इनको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नॉलेज होता तो ये लोग क्या करते, ये व्हाइट और ब्लैक के बीच में क्रॉस करवाते, और जब ये व्हाइट और ब्लैक के बीच में क्रॉस करवाते तो इनको ऑफस्प्रिंग मिलते, कौन से, ब्लू कलर फ्लावर वाले ऑफस्प्रिंग मिलते और इन लोगों को फायदा होता। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब अपन मल्टीपल एलिलिज्म और को डोमिनेंस को पढ़ेंगे।